अड्डा। आज की जो वीडियो है बेसिकली क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए, चैप्टर नंबर 2 दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। बात कर रहे थे हम कैपेसिटेंस की। दिस इज लेक्चर नंबर 9। इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कैपेसिटर? लास्ट वीडियो में आपने बताया, मैंने बताया था आपको, कैपेसिटर इज अ कंडक्टर और अ डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाइल द कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी और कैपेसिटी टू होल्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज। अब जो कैपेसिटेंस है, जो कैपेसिटर है, वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करते हैं और हैवी करंट को क्या करते हैं? सडनली क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं। एक और क्वेश्चन आता है माइंड में कि बैटरी भी तो फिर इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक करंट को ही तो प्रोड्यूस करने का काम कर रही है। तो जो बैटरी होती है या जो सेल होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करता है, लेकिन क्या करता है? बहुत धीरे धीरे क्या करता है? उसको प्रोड्यूस करता है, ठीक है, या धीरे धीरे फ्लो होती है उसमें। लेकिन जब बात करें हम कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है हमारे पास, अगर हमें कहीं पे बहुत हैवी करंट चाहिए और सडन अमाउंट में चाहिए, बिल्कुल जल्दी से चाहिए, तो कैपेसिटर में वो कैपेसिटर एक वो डिवाइस है जो हमें वो हैवी करंट क्या करती है? प्रोवाइड करती है। बिफोर स्टार्टिंग द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, फर्स्ट ऑफ ऑल इन द प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस अबाउट व्हाट स्फेरिकल कैपेसिटर और कंडक्टर। तो हमारे पास क्या था? स्फेरिकल कैपेसिटर और कंडक्टर था। जब ये कंडक्टर या कैपेसिटर था तो हमें पैरेलल प्लेट की जरूरत पड़ी थी। तो उसका रीजन है, देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर कोई चार्ज सरफेस पे है, स्फेरिकल सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, इस चार्ज के अंदर है, तो इसकी वजह से मैंने जो कैपेसिटेंस निकाला था, वो कैपेसिटेंस क्या निकाला था? दैट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 4πε0R, ये फॉर्म में निकाला था। और साथ साथ उसके लिए मैंने क्या निकाला था कि जो 1 फैराडे के लिए, 1 फैराडे के लिए जो आर की वैल्यू थी, 1 फैराड कैपेसिटेंस के लिए जो आर की वैल्यू थी, वो क्या थी? 9×10⁻⁹ मीटर। और ये क्या है? बहुत ज्यादा है। मतलब अगर हमें 1 फैराड का कैपेसिटेंस अगर हमें बनाना है, तो उसके लिए हमें कितना चाहिए? 9×10⁻⁹ मीटर का क्या करना चाहिए? क्या चाहिए? का एक एरिया का, एक रेडियस का एक कैपेसिटर चाहिए होगा, ठीक है, तो जो कि पॉसिबल नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? साइज कम करना पड़ेगा। अगर मैं इसका साइज बहुत कम कर दूंगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? बहुत छोटी हो जाएगी। तो स्फेरिकल कैपेसिटर या कंडक्टर होने का, फेल होने का एक सबसे पहला रीजन था, वो क्या था? दैट वेरी लो कैपेसिटर, ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करता है हमें? वेरी लो कैपेसिटेंस। एंड नंबर सेकंड थिंग, जब हम पोटेंशियल की बात करते हैं तो क्या रहता है? चारों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। तो जो एनर्जी होती है वो कहां से स्टार्ट होती है? आर से स्टार्ट होती है और कहां एंड होती है? इंफिनिटी पे। तो यहां पे जो एनर्जी है, एनर्जी इज नॉट बाउंडेड, एनर्जी बाउंडेड नहीं है। कहां है? कहां है? आर से सीधे कहां जा रही है? इंफिनिटी जा रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब ये फेल हो गया, बहुत लो कैपेसिटेंस मिल रहा था, एनर्जी भी बाउंडेड नहीं थी, तो ये फेल हो गया, उसके बाद हमारे पास क्या आया? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नाउ टू स्टार्ट द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, लेट्स स्टार्ट विद अ इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। वो क्या है आखिर कैपेसिटर का प्रिंसिपल? तो लेट अस कंसीडर 1 चार्ज एंड 1 अनचार्ज प्लेट, ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी, ओके। सो मैंने बोला ये क्या है? पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, तो इसके दोनों सरफेस में, दोनों साइड क्या है? प्लस प्लस चार्ज है। और ये क्या मेरे पास है? अनचार्ज प्लेट है। अनचार्ज का मतलब है नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब देखिए, इंडक्शन की वजह से, ड्यू टू इंडक्शन जो क्लोजर फेस था बी का, जो क्लोजर फेस था इसका, देखिए पॉजिटिव है तो यहां पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। तो यहां पे सारा नेगेटिव चार्ज क्या हो गया? यहां पे आ गया। तो बी के क्लोजर वाले पार्ट ने क्या कर लिया? नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लिया। और बी के इस ये वाले पार्ट ने क्या कर लिया? पॉजिटिव चार्ज क्या कर लिया? एक्वायर कर लिया। अब देखिए, जब ये है नेगेटिव चार्ज, इसकी वजह से तो ए का पोटेंशियल होगा, ठीक है, ये क्या करेगा? इसके पोटेंशियल को क्या करने का काम करेगा? डिक्रीज करने का काम करेगा। और जो इसका बी पार्ट, बी का ही जो पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करेगा? ए के पोटेंशियल को इंक्रीज करने का काम करेगा। अब हमारे पास क्या है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला? सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। अब देखिए यहां पर आप कहेंगे कि क्यू नेगेटिव की वजह से पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, तो क्या है
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो अगर कभी भी स्केलर क्वांटिटी या नेगेटिव चार्ज के लिए होगा तो हमेशा क्या होता है के क्यू अपॉन आर, अगर मैं यही पॉजिटिव चार्ज के लिए करूं तो वो क्या होता है के क्यू अपॉन आर। तो देखिए ये पॉजिटिव के लिए है, ये नेगेटिव के लिए है, तो जब भी हम नेट निकालेंगे तो क्या होगा, जो पॉजिटिव वाले होंगे वो तो एड अप होंगे, एड 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 होते रहेंगे, जब कोई चीज एड होती है तो वैल्यू क्या होती है बढ़ती है, तो इस पॉजिटिव की वजह से जो इसका पोटेंशियल होगा वो क्या होगा इंक्रीज होगा। इफ वी टॉक अबाउट नेगेटिव चार्ज, अब देखिए नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इसका पोटेंशियल है वो क्या होगा डिक्रीज होगा, क्यों, देखिए नेगेटिव है तो अगर मैं सबका नेट निकालू, नेट निकालूंगा तो क्या होगा कुछ एड होंगे और कुछ सब्ट्रैक्ट होंगे, अब किसी चीज से कोई चीज सब्ट्रैक्ट होती है तो उसकी वैल्यू क्या होगी डिक्रीज होगी, ठीक है समझ रहे आप, नेगेटिव की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव पोटेंशियल होगा, ठीक, मतलब इसकी वैल्यू नेगेटिव में होगी। अब इसको मैं इसके साथ ऐड करूंगा, ऐड करूंगा तो क्या होगा, वो क्या करेगा इससे क्या होगा माइनस हो जाएगा, अब जब किसी चीज से कोई चीज क्या होती है माइनस होती है या सब्ट्रैक्ट होती है तो इट मींस वो चीज क्या हो रही है कम हो रही है, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इसका नेट पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इसका नेट पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, ठीक। अब यहां पर देखिए अगर मैं यहां पे कैपेसिटेंस बढ़ाना चाहूं तो मुझे कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल को कम करूंगा, ठीक है, C is equal to Q upon V, if I decrease the value of V, तो there is a change in the value of C, और चेंज कैसा होगा, अगर V कम हो रहा है ये बढ़ेगा तो ये चीज क्या, ये घटेगा तो ये क्या होगा बढ़ जाएगा, ठीक। तो मैं क्या करूं कि जो इसका पॉजिटिव टाइप है इसको मैंने क्या कर दिया अर्थिंग से कनेक्ट कर दिया, अर्थिंग कर दी इसकी, तो क्या होगा ये सारा पॉजिटिव चार्ज कहां चला जाएगा अर्थ में चला जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, इसके बाद क्या बचेगा ये बचेगा, इसके पास प्लस था इसके पास प्लस था इसके पास प्लस था, ठीक है, ये प्लस 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 प्लस, लेकिन जो दूसरा वाला प्लेट है मेरे पास, अब उसका पॉजिटिव चार्ज सब कहां चला गया अर्थ में चला गया, तो यहां पर सिर्फ क्या बचेगा नेगेटिव चार्ज बचेगा, अब नेगेटिव चार्ज इस साइड कोई चार्ज है नहीं, तो इस चार्ज की वजह से इस नेगेटिव इस बी के इस बी प्लेट की वजह से जो जो कि इसमें क्या है नेगेटिविटी जाता है, तो इसकी वजह से जो इसके नेट पोटेंशियल में जो चेंज आएगा वो क्या चेंज आएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, अब जब हम नेट निकालेंगे तो नेट में क्या होगा कुछ पॉजिटिव कुछ चीजें ऐड होंगी तो कुछ क्या होंगी सब्ट्रैक्ट होंगी, अब चीजें कुछ सब्ट्रैक्ट हो रही है मतलब नेगेटिव की वजह से चीजें नेगेटिव में होंगी, नेगेटिव चार्ज की वजह से तो पोटेंशियल नेगेटिव में होगा तो वो चीज क्या होगी इस नेट से क्या होगी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अच्छा अब कोई चीज अगर 10 में से 5 हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वैल्यू क्या हो रही है कम हो रही है, तो सेम चीज ए का पोटेंशियल तो था ही था, अगर नेट पोटेंशियल निकाला तो उसमें नेगेटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल आ रहा है वो क्या होगा उससे सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो जो नेट पोटेंशियल है यहां पे जो नेट पोटेंशियल है वो क्या होगा डिक्रीज। अच्छा नेट पोटेंशियल अगर डिक्रीज होगा, नेट पोटेंशियल अगर डिक्रीज होगा तो उसका जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाएगा कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, देखिए सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, V कम हो रहा है डिक्रीज हो रहा है तो C की वैल्यू क्या होगी बढ़ जाएगी, सो नेट पोटेंशियल इज डिक्रीज डिक्रीजिंग इट मींस द कैपेसिटेंस विल व्हाट इट विल इंक्रीज, ठीक है, मतलब हम क्या कर रहे हैं तो इसका प्रिंसिपल है बेसिकली क्या है कि अगर हम कुछ ऐसा कर रहे हैं ऐसा अरेंजमेंट करें कि पोटेंशियल को कम करें, अगर पोटेंशियल की वैल्यू नेट पोटेंशियल की वैल्यू कम हो रही है तो जो उसका कैपेसिटेंस है वो क्या होगा बढ़ जाएगा या इंक्रीज हो जाएगा, सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। Now, if I tell you what is the basic symbol of that capacitor, तो जो symbol होता है वो इस type का होता है, this is the symbol, this is the symbol of capacitor, okay? ये क्या है दो conductor है इनके बीच क्या है insulating medium है, ठीक है, और ये क्या show कर रहा है एक conductor capacitor को क्या कर रहा है show कर रहा है, this is the symbol of capacitor, so a capacitor is an arrangement of two conductors separated by an insulating medium. सेपरेट जो इनके बीच का जो अंदर जो मीडियम है ये वाला ये क्या मीडियम है इंसुलेटिंग, ठीक है, सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मीडियम दैट इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी, ओके, तो दिस इज द सिंबल ऑफ कैपेसिटर, ये क्या है कैपेसिटर का क्या है सिंबल है, अगर वेरिएबल कैपेसिटर की बात करूं तो उसका सिंबल कुछ ऐसा होगा, ठीक है, सो हियर The capacitance of this capacitor is fixed, while the capacitance of this capacitor is variable. ठीक है? तो ये सिंबल किसका है कैपेसिटर का है
और ये दो जो लाइन जो ये लाइन शो कर दी, क्या शो करते हैं, दो कंडक्टर को शो कर दिए हैं, और ये जो फ्री इनके बीच जो स्पेस है वो क्या शो करता है, इंसुलेटिंग मीडियम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। हम कह रहे हैं कैपेसिटर इज अ डिवाइस इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो कैसे स्टोर करती है, लेट्स सी। सपोज अभी मैंने आपको सिंबल बताया, दिस इज द सिंबल ऑफ व्हाट, कैपेसिटर। अब मैंने क्या किया, कैपेसिटर को क्या कर दिया, एक बैटरी से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ये तो कंडक्टर है, इसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक, अब जैसे मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट किया, अगर जनरली मैं समझो, आप अगर जनरली देखो, ये दो प्लेट है मेरे पास, ठीक है, ये दो प्लेट है, तो इसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज है, अब ऐसा नहीं है इक्वल पॉजिटिव, इक्वल मतलब ऐसा नहीं है, जब जैसे प्लस क्यू एंड दिस इज माइनस क्यू, ऐसा नहीं है क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू, मतलब कि ऐसा नहीं कि इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, या नेट चार्ज में इक्वल टू जीरो होगा, ऐसा भी नहीं है। तो इसके पास कुछ पॉजिटिव चार्ज होंगे, कुछ नेगेटिव चार्ज होंगे, ठीक है, इसके साथ भी कुछ पॉजिटिव चार्ज होंगे, इसके पास भी कुछ नेगेटिव चार्ज। अब जैसे ही मैंने क्या किया, इस कंडक्टर को क्या किया है, बैटरी से क्या किया, कनेक्ट किया, तो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। अब व्हाट इज कैपेसिटर, कैपेसिटर इज अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय इंसुलेटिंग मीडियम। तो इन दोनों के बीच जो मीडियम हो गया इंसुलेटिंग, मींस कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज का यहां से यहां जाना होगा तो वो नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि जो मीडियम हो गया है इंसुलेटिंग है, जाएगा तब जब हम कुछ वर्क करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा वर्क करेंगे, तब ये यहां से यहां जाएगा, अदरवाइज सिंपली नहीं जाएगा। अब ये प्लस है पॉजिटिव टर्मिनल, इसके जितने नेगेटिव चार्ज है क्या करेगा, सारे अपने तरफ ले लेगा, नेगेटिव चार्ज ले लिए, तो यहां पे क्या जमा हो गया, सब पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज जमा हो गया, तो इसको रिपेयर करेगा तो पॉजिटिव चार्ज ही हो गया सारे, इसके पास आ गया। ठीक, ये है नेगेटिव, नेगेटिव टर्मिनल, ये किसको अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, जबकि नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेयर करेगा। अब यहां के जो सारे पॉजिटिव चार्ज है वो कहां आ जाएंगे, बैटरी में आ जाएंगे, बैटरी की तरफ आ जाएंगे। तो अब यहां के सारे पॉजिटिव यहां आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज, अभी नेगेटिव हो क्या करेगा, रिपेयर करेगा, तो नेगेटिव चार्ज वहां स्टोर हो गए, यहां हो गए। अब देखिए यहां पे बीच में क्या है, इंसुलेटिंग मीडियम है। अब जो ये नेगेटिव चार्ज है इधर तो आ नहीं सकता, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि यहां नेगेटिव है, नेगेटिव हमेशा नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेयर करेगा। ये पॉजिटिव चार्ज यहां तो आ नहीं सकता, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, अब ना ये दोनों यहां से यहां जा सकते हैं, ना यहां से यहां जा सकते हैं, जलने भी नहीं जा सकते, या तो हमें कुछ क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। तो जब वर्क डन करेंगे इसको यहां ले जाने में, तो वो वर्क डन किसमें स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, लेकिन अब ये चार्ज क्या हो गया, यहां पे आप देख रहे हैं, ना ये यहां जा सकता है, ना ये यहां आ सकता है, तो ये चार्ज यहां पर क्या हो गया, स्टोर हो गया। ठीक है, बाद में यही जो वर्क डन इन मूविंग, अब अगर हम कुछ वर्क करें यहां से, कुछ चार्ज का सपोज डी क्यू चार्ज में यहां से यहां ले आया है, ठीक है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, तो वो जो एनर्जी जो वर्क डन होगा उसमें स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में। बेसिकली चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर क्या है, हमने दो कंडक्टर लिए, उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, कंडक्टर मतलब उसमें पॉजिटिव चार्ज भी होंगे, नेगेटिव चार्ज भी होंगे, इक्वल पॉजिटिव चार्ज इक्वल नेगेटिव चार्ज होंगे, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ठीक, अब पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, सारे नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, और नेगेटिव टर्मिनल क्या करेगा, सारे पॉजिटिव को अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसके यहां पे क्या बच जाएगा, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज, यहां पे क्या बच जाएगा, सिर्फ नेगेटिव चार्ज, दोनों के बीच क्या है, इंसुलेटिंग मीडियम है, ना यहां जा सकते हैं ना ये यहां आ सकते हैं, तो ये चार्ज यहां पर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो दिस इज नोन एज द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, और हियर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर स्टोरिंग द इलेक्ट्रिक चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो जाएगी। अब जब भी मैं किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करूं या पैरेलल प्लेट की बात करूं, तो अगर मैं कुछ ऐसा ड्रॉ कर रहा हूं, मान लो मैंने ऐसा कुछ ड्रॉ किया, तो ये आपसे क्लियर है कि ये चार्ज यहां पर क्या हुआ है, स्टोर हुआ है। स्टोर कैसे हुआ, मैंने यहां पर क्या लगा दी थी, बैटरी लगा दी थी, जो एक नेगेटिव को अपनी तरफ, पॉजिटिव ने सारे नेगेटिव अपनी तरफ ले लिए, और यहां से नेगेटिव ने सारे पॉजिटिव अपनी तरफ ले लिए, तो ये जो चार्ज है यहां पर क्या हो गए, स्टोर। अब सपोज इस चार्ज को मैंने यूटिलाइज करना है, तो मैं जैसे यहां क्या करूंगा, मैंने एक बल्ब लगा दिया यहां पर, ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और एक बल्ब क्या करने लगेगा, ग्लो करने लगेगा।
सडनली क्या होगा, सारा चार्ज आ जाएगा। तो जितना चार्ज है जो 10 है, 10 यहां से पॉजिटिव आया, 10 नेगेटिव आया, सडन अमाउंट ऑफ हैवी करंट इसने दिया, हैवी करंट इसने दिया, और मुझे क्या मिल गया, हैवी करंट मिलेगा, और यहाँ पे बल्ब क्या करने लगेगा, ग्लो करने लगेगा। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, और हियर यू कैन सी कैसे यहाँ पर चार्ज क्या हो रहे हैं, स्टोर। Now let's at the end we discuss the most important topic of this chapter, that is parallel plate capacitor, and it is the very important topic, बहुत ज़्यादा important topic है, लगभग हर बार इससे question पूछे जाएंगे, चाहे वो आपके board exam में हो या competitive exam में हो, तो ये this is a very important topic. So what is parallel plate capacitor? तो क्या हमारे पास दो parallel plate है, हमारे पास दो ये क्या plate है, अब सबको यहां पे क्या है, सारे पॉजिटिव चार्ज है, और यहां पे सारे क्या है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसकी जो चार्ज डेंसिटी है, तो मैंने बोल दिया यहां पे, अगर मैं बोलूं तो इसकी जो चार्ज टोटल चार्ज होगा कितना होगा, दैट इज प्लस सिग्मा ए, ठीक, और यहां पे जो टोटल चार्ज होगा दैट इज क्यू इज इक्वल टू माइनस। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पे बताना चाहता हूं कि हियर द सेपरेशन डी दैट फर्स्ट एरिया इज सेम इज इक्वल एंड द सेपरेशन दिस सेपरेशन बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट इज वेरी वेरी स्मॉल। इसका मतलब जो ए है वो एरिया है बहुत ज्यादा बड़ा होगा किससे, इनके बीच के सेपरेशन से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो पैरेलल प्लेट हमने लिए हैं, दो पैरेलल होंगी आपस में, और दोनों प्लेट का जो एरिया होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा या सेम होगा, और जो सेपरेशन है इन दोनों की डी वो क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा। इट मींस, और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि यहां पे जो एरिया होगा प्लेट का, दैट इज वेरी वेरी लार्जर देन द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर ए इज द एरिया ऑफ द ईच प्लेट, डी इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, सिग्मा दैट इज द यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप वी विल व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड आउट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द अपर पार्ट एंड आउटसाइड द लोअर पार्ट। मतलब एक यहां पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करूंगा, एक यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करूंगा। तो देखिए, इसको निकालने के लिए आप इस तरीके से कर लीजिए, सपोज ये प्लेट है, ठीक है, ये प्लेट है, ये प्लेट है, मैं इस तरह से ले लेता हूं इसको। अब इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इनसाइड नहीं, अभी आउटसाइड की बात कर रहा हूं, ठीक, ये इसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज। अच्छा, इसकी ये प्लेट वन है, ये प्लेट टू है, प्लेट की वन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई वन। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो ई वन यहां के लिए, दिस इज ई वन, एंड यहां पे क्या होगा, ई वन, दिस इज ई वन, एंड हियर ऑल्सो दिस इज। अच्छा, ये तो हो गया प्लस, प्लस चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है प्लेट के लिए। अब दूसरा करें प्लेट टू के लिए, तो प्लेट टू के लिए क्या होगा, देखो इसके लिए सेम ही होगा, तो दिस इज द ई टू, दिस इज ई टू, हेयर वायर द व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ई टू, ये यहां पे भी ई टू की डायरेक्शन यही होगी, और यहां पे भी ई टू की डायरेक्शन कहां होगी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एक तो निकालना है कहां पर, दैट इज द अपर साइड, आउटसाइड द अपर साइड एंड आउटसाइड द लोअर साइड, ठीक। सो नाउ व्हाट वी विल फाइंड आउट, वी विल फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन आउटर, इन द आउटर रीजन अबव द अपर प्लेट, मतलब ये वाले रीजन में। अच्छा, ये वाले रीजन में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, सपोज दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वजह देखो E1 और E2 की दोनों की डायरेक्शन के अपोजिट है, तो क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2।
इवन और माइनस, और किसी प्लेट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पैरेलल प्लेट, सॉरी किसी पैरेलल प्लेट के लिए, ये सॉरी किसी प्लेट के लिए सरफेस के लिए जो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 जी। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आउटर रीजन ऑफ द प्लेट अपर प्लेट, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा जीरो। ठीक, अब ऐसे ही दैट इज द आउटर रीजन बिलो द लोअर प्लेट, आउटर रीजन बिलो द अपर प्लेट। अच्छा वहां, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड आउटर रीजन बिलो द लोअर प्लेट दैट इज ऑल्सो, ये नीचे है, इसके लिए नेट क्या हो जाएगा E1 माइनस E2। ठीक है, तो ये भी क्या होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, तो दोनों कैंसिल हो गए तो क्या आ गया जीरो। मतलब आउटर रीजन ऑफ द अपर प्लेट एंड आउटर रीजन बिलो द लोअर प्लेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा जीरो होगा, यहां और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया जीरो। नाउ हियर आउटर साइड एंड दैट, यहां दोनों जगह क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया। अब मैं कहां निकालूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इनर साइड में निकालूंगा। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इनर साइड, इनर साइड बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट वो कितनी हो जाएगी दैट इज इक्वल टू E1। अब देखिए दोनों में E1 और E2 दोनों की डायरेक्शन क्या है सेम है, अगर डायरेक्शन सेम है तो दोनों क्या हो जाएंगे एड अप हो जाएंगे, दैट इज इक्वल टू E1 प्लस E2। E1 प्लस E2 मतलब दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। अगर 2 एप्सिलॉन नॉट को मैंने एलसीएम ले लिया तो क्या हो गया 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल तो सिग्मा अपॉन ये क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। तो जो इनर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो सेम होगी किसकी डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है हमेशा क्या होती है पॉजिटिव से नेगेटिव। तो अगर मैं इनसाइड देखूं अंदर यहां पर बिटवीन द प्लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड द डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। And you can easily see here the electric field is uniform. हर जगह electric field inside the parallel जो plate है उनके बीच जो electric field होगा क्या होगा uniform. Now if I find the potential difference between the plate, तो क्या होगा potential का formula एक पढ़ा था हमने that E is equal to होता था minus dV upon dr. ठीक है, ये back term और उसके term में था। अगर general सी बात करूँ तो the potential difference between the two plates that is equals to electric field into separation between the plates. मतलब ये था ना relation that E equals to minus dV upon dr, अगर मैं यहां से dV निकाल दूं क्या हो जाता था minus E dr। ठीक है, तो मैं जनरल ले रहा हूं, डायरेक्शन वगैरह से कोई देना देना नहीं है अभी फिलहाल, तो इन जनरल ले रहा हूं तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V जो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी E इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स। तो इफ आई फाइंड द वैल्यू ऑफ V हियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V, V इज इक्वल्स टू E इनटू D। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E हियर, द वैल्यू ऑफ E इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे जो V की वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, दिस इज इक्वेशन 1। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ द प्लेट, दैट कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। क्या होता है C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V, तो V की वैल्यू यहां से ले लो मैं तो क्या हो जाएगा Q अपॉन सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट को ऊपर डाल दो तो C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा Q एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा डी। नाउ वी नो व्हाट इज द वैल्यू टोटल चार्ज की वैल्यू क्या होती है, अगर Q इज द दैट टोटल चार्ज तो इसकी वैल्यू क्या होती है सिग्मा इनटू ए,
ये वैल्यू यहां पुट कर दो तो सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा ए एप्सिलॉन एस नॉट, क्यू की वैल्यू रखी तो क्यू की वैल्यू क्या है, सिग्मा ए इंटू एप्सिलॉन एस नॉट अपॉन सिग्मा इंटू डी, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, तो जो सी की वैल्यू आई मेरे पास वो क्या आई, दैट इज एप्सिलॉन एस नॉट ए अपॉन डी. सो दिस इज द कैपेसिटेंस बिटवीन द टू पैरेलल, दिस इज द कैपेसिटेंस ओके बिटवीन टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. सो इन व्हाट फैक्टर द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स. सो नंबर वन, कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन नंबर वन, हियर इट इज क्लियर दैट सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, मतलब जो कैपेसिटेंस होगा वो क्या करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ द पैरेलल प्लेट. मींस द मोर इज द एरिया, अगर एरिया को मैं क्या करूंगा, इंक्रीज करूंगा, एक साइड है इंक्रीज करने का, तो उसका कैपेसिटेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हाउ कैन यू इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. तो वी कैसे करेंगे, एरिया को बढ़ा दूंगा तो उसकी जो कैपेसिटेंस होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा. अच्छा, सेकंड फैक्टर, From here it is clear, this is we are talking in vacuum, so epsilon is not आया है. तो basically अगर देखा जाओ तो say C is directly proportional to permittivity of the medium. ठीक है, permittivity पे भी क्या करेगा, कैपेसिटेंस डिपेंड करेगा. तो अगर मैं मीडियम को चेंज कर रहा हूं, ठीक है, मीडियम को चेंज करूंगा तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. ठीक, एंड द लास्ट वन इज दैट क्या, that C is inversely proportional to D. इसका मतलब है अगर मैं D की वैल्यू को क्या करूंगा, इंक्रीज करूंगा, मीन्स अगर सेपरेशन बढ़ा दूंगा दो प्लेट के बीच, अगर सेपरेशन बढ़ा दूंगा तो उसका जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, दैट इज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. या अगर सेपरेशन को कम कर दूंगा, सेपरेशन को कम कर दूंगा तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. इफ देयर इज अ क्वेश्चन which comes in the 2 marks question that ki in how can you increase the capacitance of a parallel plate capacitor, so it is very clear that first of all what you will do, you will, if you will increase the area of the parallel plate then its capacitance will increase, and the second one, if you decrease the separation between the two plates then also its capacitance will increase. So today we have discussed what is that principle of capacitance, capacitor. So, capacitor का principle basically है, अगर हम किसी plate की potential क्या कर रहे हैं, decrease करें तो उसका जो capacitance हो क्या हो जाएगा, increase हो जाएगा. उसके बाद we discuss about why the spherical concept of spherical capacitor are fit, because it provide very low capacitance and energy is not bounded. Okay, then what we have discussed, the charging of a capacitor. After that we have discussed the parallel plate capacitor. अच्छा, parallel plate capacitor में हमें तो एक तो क्या हो सकती है, इसकी एक बढ़िया सी वैल्यू मिल जाएगी. दूसरी चीज आपने देखा है, ये कुछ इस टाइप का बन रहा है, ठीक है, इस टाइप का बन रहा था. तो यहाँ पे देखा आप इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन ही है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन ही है, तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो भी क्या होगी, यहाँ पर एनर्जी इज बाउंडेड है इन द केस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जो कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला आया वो क्या है हमारे पास, द एक्सप्रेशन इज C इज इक्वल टू एप्सिलॉन एस नॉट ए अपॉन डी. ओके, अब कैपेसिटेंस किस किस चीज पर डिपेंड करता है, ये हम डिस्कस अबाउट इट. तो दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम. तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपके कोई डाउट्स है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे आप कमेंट करें, ठीक है, और लाइक करें मेरी वीडियो को, शेयर करें और